नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है आज हमारा देश भर में जो आक्रोश है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, वही हमारा मुद्दा है। क्योंकि इस तरह स्थिति 10-12 दिन से बिगड़ी हुई है पूरे देश में। ट्रेनी महिला के साथ बलात्कार, फिर उसकी हत्या, और हत्या भी किस तरह सबने देखा है। तो ये आखिर होते क्या हो, इसी पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद संज्ञान लिया है और कहा है कि इस तरह घटनाएं जो हो रही है और इसके ऊपर जो दुर्दशा दिखाई जाती है, ये भी बहुत बड़ा क्राइम है। तो अब इसके ऊपर क्या क्या होना चाहिए, क्यों हो रहा है सब, आप ताज़ा स्थिति में देखा है तो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के ठाणे के जिले शहर में बदलापुर में आज दो स्कूल की लड़कियों, जो 3-3 साल की लड़कियाँ, उनके साथ में अत्याचार हुआ है, उसको लेकर पूरा रास्ता जाम है, पूरा ट्रेन बंद करा दिया गया है, लोग रास्ते पर उतर गए हैं। आखिर में ऐसे क्या स्थिति है कि लोग समझ क्यों नहीं रहे, क्यों क्राइम में डर नहीं है, और इसके लिए लोगों को रास्ते पर उतरना पड़ रहा है, सरकार को कोसा जा रहा है। तो यही हमारा चर्चा का विषय है। हमारे साथ में है एडवोकेट विवेक जोशी जी। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये जो स्थिति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्या इसका कारण है, क्योंकि ये कोई नई घटना नहीं है। इसके पहले आप लोगों ने देखा कि रोज़ पेपर पढ़ो तो, रोज़ सोशल मीडिया देखो तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं आती ही जा रही हैं। लोगों में कानून का डर ही नहीं है, ऐसा क्या कारण है, क्या होना चाहिए? सर, बहुत गंभीर विषय है जो हम चर्चा कर रहे हैं। आज पूरे देश में अराजकता फैला हुआ है, लोगों को कोई डर नहीं है, और लोग यही चाहते हैं कि जो महिला आज जो पुरुष के साथ में कदम से कदम मिला के चल रही हैं, आज उन्हीं वही खतरे में पड़ गई हैं। कहीं भी सुरक्षित नहीं है, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे स्कूल कॉलेज हो, चाहे कोई भी कार्यालय हो। तो ऐसा क्या होना चाहिए, क्या सुप्रीम कोर्ट ने तो संज्ञान लिया है, उसने अभी आज हियरिंग भी लिया है, लेकिन जो स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है महिलाओं के प्रति, इसके पर आप क्या कहेंगे? आप भी कानून के रखवाले हैं, आप भी देख रहे होंगे कोर्ट में कितनी समय ये सब प्रॉब्लम्स आती है। इसका पीछे का बहुत सारे कारण है जो आपसे मैं जानना चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जो हुआ वो बहुत गलत हुआ और उसके ऊपर जो है बहुत कड़े तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए जी। और सबसे बड़ी बात है ये कार्रवाई जल्दी होनी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके, ताकि लोगों को सिस्टम के ऊपर, समाज के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, लॉ सिस्टम के ऊपर, वकीलों के ऊपर, पुलिस के ऊपर फिर से भरोसा आए जी कि भाई हमारी सुनी जा रही है। आज तो समस्या ये है कि एक जो पीड़िता है उसी की कोई सुन नहीं रहा। अगर उसे आज की डेट में अपने ऊपर कुछ हुआ है और उसे पुलिस स्टेशन में जाके FIR लिखानी है, तो उसे 4 बार सोचना पड़ता है कि भाई मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ जी। रेप के जितने केसेस एक्चुअल में होते हैं और जितने रिपोर्ट किए जाते हैं उनमें बहुत बड़ा फर्क है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, इससे पहले जब देश जागृत हुआ था तो निर्भया का केस हुआ था। निर्भया के केस में भी लोगों को, उन आरोपियों को, उन दोषियों को फांसी देने में हिंदुस्तान में कितना टाइम लग गया, 10 साल के ऊपर लग गया। और उसके बाद भी आज नहीं देनी है, कल देनी है, कल नहीं देनी है, परसों देनी है, तो बहुत मजबूरी में उन्हें फांसी दी गई। तो ये जो चीज़ है ये एक ऐसा मैसेज हिंदुस्तान में देती है कि भाई मैं कुछ भी करूँगा तो मैं, मतलब मुझे बच जाऊँगा, मरूँगा तो नहीं मैं। और बहुत रेयर केस में मतलब सरकार जो है, या मतलब आप लीगल सिस्टम को कहिए, वो फांसी सजा देती है। मेरा ये कहना है कि सर, अगर आप हिंदुस्तान में आज से पहले की हिस्ट्री देखें तो पिछले 70-80 सालों में कितने लोगों को जघन्य अपराध करने पे फांसी की सजा दी गई, अगर दी गई तो कितनी देर में वो एग्जीक्यूट हुई। बिल्कुल। तो जब तक ये बात नहीं होगी तो समाज में क्या मैसेज जाएगा कि भाई ठीक है, वकील है बचाने के लिए, वो मुझे बेल दिलवा देगा, सिस्टम बेल दे देगा, उसके बाद जो है मैं फिर बाहर आऊंगा, मैं फिर ये काम करूंगा। दूसरा इशू ये आता है कि हिंदुस्तान में प्रिवेंटिव पुलिसिंग नाम की कोई चीज़ है नहीं। सोशल प्रोफाइलिंग किसी को करनी हो तो वो बड़ी मुश्किल है जी। और सबसे बड़ी बात है, हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन इस जो कुछ भी घट रहा है वो इसकी जिम्मेदारी किसी पार्टी पक्ष की नहीं, सारे के सारे पॉलिटिशियंस की है। सर, जब आपका कोई कार्यकर्ता किसी तरह का गुनाह करता है तो आप क्यों पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हो, पुलिस को यूं बोलते हो कि भाई FIR नहीं लिखने की, मेरा आदमी है जरा संभाल लेने का, और क्यों पुलिस उनकी बात सुनती है,
बताइए क्यों पुलिस उनकी बात सुनती है? एक तो है कानून बनाना, दूसरा है कानून को इम्प्लीमेंट करना। कानून को इम्प्लीमेंट करने का जो आपका सिस्टम है वो बराबर नहीं है। हर सिस्टम में त्रुटि होगी, लेकिन आप ये जानने के बाद भी कि इसमें त्रुटि है, आप उसको फिर ढक रहे हैं। जितने भी पॉलिटिक्स में रेप के केसेस सामने आए, उसमें वो पॉलिटिकल कार्यकर्ता जिस भी पार्टी का रहा हो, उस पार्टी ने उसके ऊपर लीपापोती करने की कोशिश करी। उन्होंने किसी भी तरह से सख्त डिसीजन नहीं लिया, उस आदमी को बर्खास्त तक नहीं करा। आज जो कलकत्ता में जो रेप केस हुआ है वो तो सर सबसे ज्यादा सीमा पार कर चुका है। बिल्कुल। अब मैं आपको उसमें कुछ चीजें जो हैं जो गलत हुई हैं वो मैं आपको खुले तौर पे बताता हूँ। सबसे बड़ी गलत बात यह है कि लोगों ने अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रखा। उन्होंने उस पीड़ित डॉक्टर की, जबकि ये कानून में गैर कानूनी है कि आप किसी रेप की विक्टिम की इस तरह से एक्सपोजर करें। लगभग लगभग सारे सोशल मीडिया पे उस बेचारी लड़की का नाम चल रहा है, लगभग सारे सोशल मीडिया पे उसकी फोटो चल रही है। अच्छा, इसमें कुछ लोगों ने मतलब आउट ऑफ इमोशंस, आउट ऑफ आउटरेज अपना गुस्सा दिखाने के लिए किया, लेकिन ये भी गैर कानूनी है जी। दूसरी जो चीज है जो वहां पे जो देखने में मतलब प्राइमा फेसी दिखती है कि भाई अभी क्राइम सीन के साथ मतलब छेड़छाड़ करी जा रही है। अब आप ये कहें कि क्राइम सीन 10 मीटर आगे था या 15 मीटर पीछे था, तो जब इतने दिन वहां पे टॉयलेट की या जो भी चीज की समस्या थी, तो रेप होते ही आपको वहां टॉयलेट बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? मतलब ये जो चीजें हैं ये थोड़ी ऐसी देखने में दिखती है कि भाई इसमें प्रश्न चिन्ह उठता है जी। तीसरी चीज जो ऑटोप्सी में आई है, वो बोल रहे हैं कि भाई लगभग लगभग 100 से 150 ग्राम जो है सीमेन पाया गया। तो प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टिया तो ये तो कोई एक आदमी का काम दिखता नहीं है जी। बिल्कुल, ये तो मतलब गैंगरेप की तरफ इशारा करता है। अब सर सबसे बड़ी चीज आप ये समझिए कि जिस वक्त इस बच्ची के साथ, जिस वक्त इस डॉक्टर के साथ, जिस वक्त इस महिला के साथ ये काम हुआ होगा, जब इसके ऊपर ये असॉल्ट हुआ होगा, तो इसने फाइट बैक तो किया ही है। ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, ऐसा नहीं लगता कि इसको ड्रग्स देके ये कर दी। एक आदमी भी उस हॉस्पिटल के अंदर नहीं उठा क्या? मतलब जिसको चीख चिल्लाहट जो बोलते हैं, जो झड़ा हुआ होगा, सामान नीचे गिरा होगा, चिल्लाई होगी, मारने की कोशिश करी होगी, जिसके चोट लगी होगी वो भी चिल्लाया होगा, उतनी देर में एक भी शेर का बच्चा इस हॉस्पिटल में उठ के उस जगह पे नहीं गया जहां पे ये काम हो रहा था। बिल्कुल। या फिर ये है कि ये कहीं और हुआ और यहां लाके पटक दिया। और चीजें बहुत है, अब सीबीआई को निकालने की जरूरत। आप एक चीज और देखिए श्याम सर, इसमें कि जिस लेवल की क्रूरता करी गई है, वो लेवल की क्रूरता अमूनन की सिर्फ एक आदमी रेप करने की बात करता हो तो उस चीज में नहीं दिखती नहीं। ये ऐसा दिखता है कि इस डॉक्टर के खिलाफ इनको बहुत ज्यादा वेंजेंस थी, और इस डॉक्टर के साथ ये करके इन बलात्कारियों ने, इन गुंडों ने, इन बदमाशों ने ये मैसेज देने की कोशिश करी है कि तुम हमारे खिलाफ जाओगे तो तुम्हारे साथ भी ये चीज हो सकता है, ये मानसिकता है। अभी आप ये देखिए, उसके बाद जो वहां के जो डीन साहब हैं, जो प्रिंसिपल हैं, सर डॉक्टर है, उसको देख के दिखता है कि भाई रेप हुआ है नहीं हुआ है, मर्डर हुआ है नहीं हुआ है। आप कैसे कह रहे हो उनके माँ बाप को कि भाई सुसाइड हुआ है, फिर कह रहे हो आपकी बच्ची बीमार है। आप दो दो तीन तीन घंटे तक अपने माँ बाप को उसकी बच्ची देखने का मौका नहीं देते। ठीक है, आपने आज मतलब जिस हिसाब से जो टीवी पे चल रहा था, जो कलकत्ता हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स आप टीवी पे देख सकते हैं, आज तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी प्रोसीडिंग्स आप टीवी पे देख सकते हैं। एक सरकार को डिफेंस करने की मतलब क्या जरूरत है जी? एक मुख्यमंत्री को सड़क पर उतरने की क्या जरूरत है? आप किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हो? सरकार आपकी, आप मुख्यमंत्री, आप होम मिनिस्टर, जवाबदारी आपकी बनती है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी मुख्यमंत्री को आप ये कह सकते कि भाई सब जगह जाके लेंस लेके वो देखेगा कहाँ बलात्कारी है कहाँ नहीं है, लेकिन अगर आपके सरकार में ये चीज हुई है तो जवाबदारी आपकी है, आप क्यों सड़क पर उतरे जी? दूसरी चीज साहब, देखिए आज एक नई चीज हो गई है हिंदुस्तान में, सब लोग संविधान की बात करते हैं। एक आपके साथ मैं आने वाले समय में एक प्रोग्राम और करूंगा, क्या संविधान हिंदुस्तानियों को बचा सकता है, इसके ऊपर मेरी रिसर्च चल रही है, वो भी मैं आपको आपके साथ करूंगा। लेकिन आज मैं आपको ये बोलता हूं कि संविधान में राइट टू प्रोटेस्ट आपकी फंडामेंटल राइट है जी।
आज जो लोग भी इस चीज के ऊपर राइट टू प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साहब अपनी प्रोटेस्ट जैसे भी दिखा रहे हैं, आपके पास 41A में नोटिस आ जा रहा है कि भाई आप ये क्यों कर रहे हो, आपके खिलाफ हम FIR करेंगे। मतलब आप सरकार को आज ये करना चाहिए कि भाई पहले वो ये कहें कि हाँ हमारे वहां पे गलती हुई है, हम इसे सुधारेंगे, हम इस तरह से करेंगे, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं करते। अच्छा, दूसरी चीज सर आपको मैं एक और चीज बोलता हूँ, सब आप ये मान के चलिए, आज इस टॉपिक में एक टॉपिक और जोड़ते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपसे मेरी चर्चा हो रही थी, जब हमने चर्चा शुरू करी उससे पहले आपने बोला कि बॉम्बे में वो मिल्स का जो केस है जिसमें मुकेश मिल्स गर्दुल्लो ने एक पत्रकार के साथ, महिला पत्रकार के साथ गैंगरेप किया। सर ये गर्दुल्ले आपके एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं, ये गर्दुल्ले कहीं से जाके तो ड्रग्स खरीद रहे हैं। गर्दुल्ले मतलब ड्रग्स जो गर्द लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उनको हम गर्दुल्ले कहते हैं। सर ये कहीं से तो ले रहे हैं। आज एक स्कूल कॉलेज के बच्चे को ड्रग्स लेनी है, उसको पता है कहां मिल रही है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि पुलिस वाले क्यों नहीं पता कि यहां ड्रग्स मिल रही है, क्यों NDPS वाले जो लोग हैं उनको नहीं पता कि यहां ड्रग्स मिल रही है। आप खुद इस चीज को प्रमोट कर रहे हो, या तो आप ये कहो कि भाई हमें नहीं पता, तो फिर आपका जो इंटेलिजेंस का सिस्टम है, जो आपका दूसरा सिस्टम है, उसको देखने के लिए मैं आज मैं एक बात आपको और कह रहा हूँ, थाने में कई चैनल ऐसे चलते हैं जो जाके वीडियो बनाते हैं कि यहाँ पे मतलब डांस बार चल रहा है और ये चल रहा है। अब वो डांस बार का जब वीडियो उनके चैनल पे अपलोड हो जाता है, तब जाके थाने की पुलिस उन जगहों पर रेड मारती है जी। तो मेरा तो ये पूछना है, मेरा तो ये कहना है कि जब ऐसी परिस्थिति आती है, जिस इंस्पेक्टर के, जिस पुलिस इंस्पेक्टर के एरिया में वो डांस बार चलता हुआ पाया गया, उस पुलिस इंस्पेक्टर को आपने क्यों सस्पेंड नहीं करा, जबकि रूल में है, ये क्यों नहीं करा इसका? या तो वो ये कह दे, वो ये कह सकता कि भाई मुझे पता ही नहीं था, ये कल ही चालू हुई। अगर कली चालू हुई तो ये जो पत्रकार जो बनते हैं अपने आप को, इन पत्रकारों को कैसे पता चला, ये वहीं कैसे पहुंच गए? तो कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर तो दिखता जी, है। अब जो आदमी ये सवाल पूछ ले, आप उसके घर में नोटिस भेज दोगे। आज जो कलकत्ता में जो महिलाएं हैं, जब वो उतरी हैं आज सड़क पे, तो क्या सोच के उतरी हैं? यही सोच के उतरी है ना कि आज हमारी सेफ्टी क्या है। अब आप बार बार ये पूछते हो महिलाओं की सेफ्टी क्या है, महिलाओं की सेफ्टी महिलाओं को करनी पड़ेगी सर जी, महिलाओं की सेफ्टी महिलाओं को ही करनी पड़ेगी। महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए खुद बोलना पड़ेगा। आज तो आप सड़क पर उतरे, लेकिन आप ये सोचो कि इस तरह की चीज आज ये हाईलाइट हो गई, इसलिए मतलब दोबारे लोग सड़क पर उतरे। इससे पहले कितनी बच्चियों का बलात्कार हुआ, रोज हो रहे हर 16 मिनट का रिकॉर्ड है भारत में, तो हर 16 में एक रेप होता है। तो फिर इतने रजिस्टर्ड हो रहे हैं हर 16 में एक, और अनरजिस्टर्ड अगर की बात करेंगे तो हर सेकेंड में हो जाएगा ये। तो फिर ऐसी कंडीशन में आप मतलब क्या एक्शन लेना चाहिए सरकार को? सरकार एक कानून और बना दे भाई, कानून तो तुम 10 बना लो, आज भी कानून है, लेकिन आप उस कानून को आप एग्जीक्यूट कैसे करोगे? आप कैसे एक रेपिस्ट को सजा दोगे? अच्छा, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है कि आपने आज यहाँ का कानून बहुत बढ़िया है जी, जो ट्रायल चलता है बहुत बढ़िया चलता है। ऐसा नहीं है कि सर आया, हाँ भाई इसके ऊपर चलो इसे फांसी चढ़ा दो, ऐसा कोई जज फांसी नहीं देता। हमारे वहां का सिस्टम बहुत बढ़िया, पूरे एविडेंस तथ्य वगैरह सब देखने के बाद, सरकमस्टांशियल एविडेंस के बाद जज ये निकालता है कि भाई इसने रेप किया है या नहीं किया है, उसके बाद उसे सजा मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब किसी आदमी ने इस तरह का काम किया हो तो उसे भाई मतलब कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। बिल्कुल। तो क्या ऐसा किया जाए कि भाई ये 10 साल से ज्यादा की जो सजा है इसको आगे बढ़ाया जाए? बहुत से केस में देखा गया है कि बुड्ढे हो जाते हैं लेकिन उनको सजा नहीं मिल पाती। सर सिस्टम को चलाना, आज 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 देखिए, आपने थोड़ी देर पहले अभी बच्चों के बारे में बात करी, बेलापुर के आसपास के बच्चों के बारे में बात करी, बदलापुर के बच्चों के बारे में। आपको आप ये समझिए कि इनको ये पकड़ लेंगे, पकड़ने के बाद पकड़ा ही जाएगा सर, आरोपी तो पकड़ लेगी पुलिस। अब इनको पकड़ने के बाद, पकड़ने से सजा देने का पीरियड और उस सजा के एग्जीक्यूशन का पीरियड कितना है? पॉक्सो एक्ट जो बना वो तो ये कहता है फटाफट ट्रायल करो और खत्म करो इन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट में। आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी मतलब उतना तेज नहीं चल रहा है, तो क्योंकि 3 से 4 साल लग जाते हैं तो उसको बेल मिल जाती है जी, कि भाई कितने दिन इसे बगैर ट्रायल के आप जेल में रखोगे, तो उसको बेल मिल जाती है, वो बाहर आता है। अब कोई जबरदस्ती फंसा हुआ है तो मैं नहीं कहता कि भाई वो दोबारा ये काम करेगा, लेकिन अगर किसके मन में ऐसी मानसिकता आ चुकी है तो फिर दोबारा मौका ढूंढता काम करने का। जो मुकेश मिल का मामला है, वो गैंगरेप जो किया था, वो इसके पहले भी गैंगरेप किया हुआ था वो। मैंने आपको तभी तो कहा सर, प्रिवेंटिव पुलिसिंग क्या चीज है,
प्रिवेंटिव पुलिसिंग यही है कि भाई आप ये आइडेंटिफाई करो कि ये आदमी कहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है सर, अगर किसी पार्टी विशेष की तरफ से कोई एलिगेशन आता है तुम्हारे वर्कर के ऊपर, तो प्लीज आप पॉलिटिशियन है, आप ये काम मत करो कि पुलिस को फोन करो कि हाँ आमचा माणूस आए, आग लाऊ नका, FIR करूँ नका, सेटलमेंट करूँ दिया, ये सब आपको शोभा नहीं देता। आप नेता हो, आपको सरकार ने में इसलिए बिठाया गया, आपको चुन के इसलिए बिठाया गया, आपके ऊपर विश्वास रखा, तभी तो आप हो रहे हो। आज तो सर एक वेल ऑयल्ड मशीनरी है जिसके तहत ये काम चलता है, तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम है वो गलत है। अब आज आप प्रोटेस्टर्स को, बंगाल की अगर आप बात करें सर, बंगाल में ये बहुत टाइम से चल रहा होगा जी, लेकिन आज इतना बड़ा कांड हो गया जिसकी वजह से ये चीज सामने आई। नहीं तो सर उससे पहले संदेश खालिद हुआ, उसके बाद सरकार ने क्या एक्शन लिया? कुछ नहीं, कुछ उस समय राजनीति माहौल हो गया, लोकसभा चुनाव खत्म हो गई, मामला खत्म। देखिए किसी महिला ने किसी के ऊपर एलिगेशन लगाई, अब सरकार ही अगर उसे बचाने में आ जाए तो फिर वो महिला तो और उसके साथ की जो बाकी महिला होंगी वो कभी कंप्लेंट नहीं करेंगी, नहीं करेंगी कुछ, जब कुछ होना ही नहीं तो क्यों कंप्लेंट करें? क्यों कंप्लेंट करें सर, क्यों बदनामी करें, बताइए। तो ये सारी जो चीजें हैं, इनफैक्ट सर जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे आपने सरकारी अस्पताल खोल दिए, अरे भाई डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो वहाँ होनी चाहिए जी। वो नहीं है, उनके लिए टॉयलेट नहीं है, उनके लिए प्रसाधन की चीजें जो होनी चाहिए वो नहीं है, खाना खाने की जगह नहीं है, तो क्या करेगा आदमी? किस तरह के लोग आपने भर्ती कर रखे हैं? ये सारी चीजें जो देखेंगे अगर इन्हें आप निकालेंगे। और दूसरी चीज है साहब, हिंदुस्तान में मैं आज महिलाओं को एक संदेश देना चाहता हूं सर, आपके चैनल के माध्यम से, इसके बाद मैं अपनी बात बंद रखूंगा। सर दो तरह की महिलाओं के ऊपर कभी कोई अत्याचार नहीं कर सकता, एक जो सरस्वती हो और दूसरी जो दुर्गा का रूप हो। आप इन दोनों में से अपना रूप चुनिए, बाकी का रूप आप छोड़ दीजिए, आपके ऊपर अत्याचार होना बंद हो जाएगा। आप ये मानसिकता से बाहर निकलिए कि अत्याचार को सहना औरत की खूबसूरती का काम है, ऐसा नहीं है। आपकी कोई मजबूरी नहीं है, आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो आप रिटेलिएट करिए, आप आवाज उठाइए। कोई आपकी FIR नहीं लिखता है, कोई आपकी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करता है तो उसके खिलाफ भी आप आइए, उसके खिलाफ आप जाइए, उसके बड़े अफसर से मिलिए, अपना अधिकार मत छोड़िए। लेकिन अगर आप वो सब छोड़ के एक ऐसी चीज में लग जाएंगे जो आपके अंदर हीन भावना ले आएगा, तो फिर तो सर ये जो समस्या आज, जो रेप की समस्या है, आज कलकत्ता में हुआ, कल कहीं और होगा, परसों कहीं और होगा, हो ही रहा है, हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए सबसे पहला स्टेप आपको लेना पड़ेगा। और अगर आपके सिस्टम में, आपकी कंपनी के अंदर, आपके समाज में, आपकी फैमिली के अंदर अगर कोई ऐसी चीज आपको दिखती है कि किसी महिला के साथ बलात्कार किया जा रहा है, तो उस बात को दबाने की जरूरत नहीं है, उस आदमी को सजा दिलवाइए। और सजा देने वाले जो मेरे जैसे वकील जो सिस्टम में काम करते हैं, उनके लिए भी ये मैसेज है कि भाई जब सजा देने की बात आए या वो साबित हो जाएगी यही आदमी है रेपिस्ट, तो फिर उसके साथ कोई सहानुभूति की जरूरत नहीं है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और रेप की डिग्री भी डिसाइड करी जाए कि जैसे ये जो रेप हुआ ये बड़ा ब्रूटल रेप है, इसमें इस आदमी को 15-20 दिन के अंदर ट्रायल करो और 30 दिन के अंदर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने, प्रेसिडेंट ने जो जजमेंट देना दे और इसे टांग दो। अगर आप इसे छोड़ देते हो तो सर ये मान के चलो कि ये दोबारे होगा, हो रहा है, होता रहेगा, और हम ऐसे बैठ के बहस करते रहेंगे कभी कभी। समाज को भी सर अपनी पोजीशन लेनी बड़ी क्लियर है। आज जो लोग इस डॉक्टर के साथ नहीं खड़े होंगे, कल आपके घर में भी ये चीज होगी, तब आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। तो आप अपने अपने तरह से प्रोटेस्ट करिए और बहुत जुझारू रूप से प्रोटेस्ट करिए, नहीं तो सर आप इसे रोक नहीं पाएंगे। आप अपनी पोजीशन सही रखिए, देश को, हिंदुस्तान को, विश्व को उस चीज से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ कि जिन लोगों ने गलत काम किए, वो गलत काम के खिलाफ बयानबाजी ना करने के लिए, स्टैंड ना लेने से, लोगों के चुप रहने से ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए बोलिए और जरूर बोलिए और दायरे में रह के बोलिए, आपका देश एक सशक्त देश बनेगा और इस तरह की रेप की और इस तरह की जो समस्या हिंदुस्तान में है वो जल्द से जल्द कम होंगी। धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा यही था महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर, आखिर में जो इसमें लोगों का रास्ते पर उतरना पड़ रहा है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए लोगों को रास्ते पर उतरना पड़े तो बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। और मोदी जैसे प्रशासक जो हमारे देश के हैं
उनको भी अब इसमें कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए, बड़ा कानून लाना चाहिए। हालांकि पोस्को एक्ट तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि पोस्को एक्ट काफ़ी है इसके लिए, और बड़ी कोई कड़ी सजा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो न्यायालय की व्यवस्था है उसको ठीक करने की ज़रूरत है, और ये केंद्र सरकार ही कर सकती है और संसद में किया जा सकता है। तो आपको आपकी भी कुछ प्रतिक्रिया होगी इस पर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद सर, धन्यवाद, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।